रामगढ़ जिले के बड़काकाना ओपी क्षेत्र में अपराधियों का लगातार दबदबा बना हुआ है। क्षेत्र के संगठित अपराधी गिरोह मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम अब सामने दिखने लगा है। बड़काकाना ओपी क्षेत्र के जोड़ा तालाब के निकट बन रहे क्वार्टर के पास अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। रेलवे क्वार्टर का निर्माण करा रहे के कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर कंपनी के साइड में अज्ञात अपराधियों द्वारा सुबह 8:30 बजे के लगभग गोलीबारी की गई, जिसमें के कंपनी के परचेजिंग ऑफिसर विजय कुमार धवन की जांघ में गोली लगी। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि हीरो होंडा शाइन मोटरसाइकिल में सवार दो युवकों द्वारा गोलीबारी की गई। बाइक पर सवार दोनों अपराधी मुंह में मास्क लगाए हुए थे, जिसमें कंपनी के परचेज अधिकारी विजय कुमार धवन की जांघ में गोली लगी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी तलियातू बस्ती की ओर फरार हो गए। घायल अधिकारी को उपचार के लिए मेदांता रांची ले जाया गया। घटनास्थल पर लोगों ने बताया कि यह रंगदारी से जुड़ा मामला हो सकता है। गोलीबारी के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है, वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटनास्थल पर बड़काकाना ओपी प्रभारी विनय कुमार पहुंचे, घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए लोगों को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने अपराधी की धरपकड़ के लिए ओपी क्षेत्र में दुपहिया वाहनों की जाँच शुरू कर दी। जगह जगह दुपहिया वाहनों को रोककर जाँच की जा रही है। अभी जानकारी हुई लगभग 9 बजे सुबह में दो अज्ञात अपराधकर्मी आए और यहाँ पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेलवे का कॉलोनी बिल्डिंग बन रहा है, ये जो बाउंड्री किया हुआ है, और यहाँ पर अभी लेबर लोग भी काम कर रहे हैं। तो एकाएक आए और गार्ड इंचार्ज है जो रेड है यहाँ, वो भी अपना काम देख रेख में यहाँ पे, और उसको देख करके उनके पैर में फायर किया। तो एक पहली फायर रिंग फायर हो गया, उसके बाद दूसरी जो फायर किया उसमें उसका पैर में गोली लगी है और वो अभी ठीक हैं। उनका इलाज अभी निरंतर में हो रहा है, वो अभी ठीक हैं। और हम लोग घटना की जानकारी को देखते हुए हम लोग सभी आए हैं यहाँ पर। जीआरपी थाना के पुलिस भी आई है और हम लोग भी हैं, और इसका हम लोग तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। किस थाना क्षेत्र में ये अभी पड़ रहा है? तो ये जीआरपी का मतलब ये होना रेलवे का कॉलोनी है या रेलवे का बाउंड्री किया हुआ घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो ये उनका जिम्मेवारी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। तो आपसे बात की है, साथ ही साथ आएंगे, उसको हम लोग फाइल दर्ज करते हुए फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।